नवी मुंबई नेटवर्क। मिशन जन समस्या का निराकरण, जनता की समस्या और उसके निवारण के मिशन के साथ बेलापुर की भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा मात्रे द्वारा आमदार आपलादारी का आयोजन सीवूड सेक्टर 48 स्थित श्री गणेश मैदान में आयोजित किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा मात्रे के इस अभियान में आम जनता की जन सुनवाई करने मौजूद रहे सिडको के अतिरिक्त मुख्य अभियंता दीपक हड़तलकर, महानगर पालिका अधिकारी रमेश राठौड़, महावितरण के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता किरण धनाइत, महावितरण विभाग के सहायक अभियंता अतुल दिघे, राशन वितरण अधिकारी शीतल लाड़के, एनआरआई पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी तुषार गुरव, साथ ही उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय घाटे, पूर्व नगर सेवक भरत जाधव, कविता जाधव, दीपक पवार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नवी मुंबई जिलाध्यक्ष दत्ता गंघाले, नवी मुंबई युवा सचिव विनायक गिरी, जयवंत तांडेल आदि तमाम मान्यवर। इस अभियान के तहत विधायक मंदा मात्रे के समक्ष 200 से भी अधिक नागरिकों ने अपनी समस्याएं पहुंचाई, मगर इस दौरान सबसे प्रमुख चर्चा का विषय रहा सिडको की धोखादायक इमारत और उसकी बदहाल अवस्था का। गौरतलब है कि सीवुड में आए दिन सिडको की इमारतों के स्लैब टूटकर गिरने की घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कई नागरिक चोटिल भी हुए हैं। हर दिन जान हथेली में लेकर जीने को मजबूर होने वाले सीवुड के अनेकों नागरिकों ने विधायक मंदा मात्रे को अपनी शिकायत का निवेदन सुपुर्द करते हुए मांग की है कि वह इस सबसे जटिल और संवेदनशील प्रश्न का निराकरण करवाए, जिस पर मंदा मात्रे ने जनता से जुड़े इस सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए समस्या निराकरण का वादा किया। इस दौरान आमदार आपलादारी इस अभियान में खुद भरत जाधव ने जनता से जुड़े 5 प्रमुख प्रश्नों को उजागर कर उनके निराकरण की मांग मंदा मात्रे से की। इन तमाम 5 मुद्दों में शामिल थे नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाए, सिडको के घरों के टूटते स्लैब की मरम्मत की जाए या फिर इमारत का पुनर्विकास किया जाए, एनआरआई कॉम्प्लेक्स के सम्मुख पाम बीच मार्ग पर अंडरपास का निर्माण किया जाए, सीवुड सेक्टर 50 में इंडोर गेम स्टेडियम व स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाए, सीवुड न्यू और ओल्ड सेक्टर 50 के खाड़ी के किनारे क्षेत्र में जॉगिंग ट्रैक का निर्माण किया जाए। इतना ही नहीं, इस दौरान उपस्थित नागरिकों ने महानगर पालिका, महावितरण और पुलिस प्रशासन से जुड़ी कई समस्याओं से भी विधायक मंदा मात्रे को अवगत कराते हुए समस्या के निराकरण की मांग की। नागरिकों की हर समस्याओं को बारीकी से सुनते हुए विधायक मंदा मात्रे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं को वे पहली प्राथमिकता समझते हुए उसका समाधान करें। उन्होंने मनपा अधिकारियों और सिडको के अधिकारियों को 7 दिनों की मोहलत देते हुए जनता की समस्या के समाधान करने की सूचना दी। इस दौरान प्रभाग के असंख्य ज्येष्ठ नागरिक, महिला मंडल, पुरुष और युवा वर्ग मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि सीवुड के असंख्य नागरिक सिडको के बदहाल इमारतों में लीकेज और स्लैब टूटने की घटना से त्रस्त हैं, जिस पर सिडको के घरों की दयनीय अवस्था को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। शिकायतें सब विभाग की मिली है। आमदार अपने दरवाजे में मैंने जो बेलापुर से शुरुआत की, आज सीवुड में और माजी नगर सेवक भरत जाधव और उनकी जो माजी नगर सेविका है, दोनों ने मिलकर प्रोग्राम लिया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लोगों की समस्या अगर हम साथ में मिलकर छुड़ाते और सब अधिकारी साथ में रहते हैं तो तकलीफें जल्दी निपटारा उसका हो सकता है। आज ज़्यादातर समस्या सिडको के घर की है, जो घर लीकेज हो रहा है या स्लैब टूट रहा है वगैरह वगैरह। सिडको के अधिकारी गोडबोले जी, उनको मैंने कहा कि खास है किसके लिए अपन बैठक लगाएंगे, नहीं तो रीडेवलपमेंट के लिए हम आगे जा सकते हैं क्या, वो भी उनसे मैंने बात की है।
दूसरे थोड़े पुलिस की समस्या थी, MACB की थोड़ी समस्या थी, और ज़्यादातर पालिका और सड़कों की समस्या थी। और उनको बता दिया, दोनों अधिकारी आए, दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं, और ये 7-8 दिन में इनका कैसे निपटारा या मार्ग निकलेगा। हमने 7 दिन की मोहलत दोनों अधिकारी को दी है, उसके अंदर अगर वो बैठक लगाते हैं तो अच्छी बात है। कहाँ रोड नहीं है, कहाँ नए सोसाइटी बनी है, कहाँ बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं हो रही, ऐसी सब छोटी मोटी दिक्कत है। मगर क्या होता है, अंदर अपने दरवाजे में हम लेते हैं तो लोगों को डायरेक्टली मिलना होता है, और लोगों को डायरेक्टली अमदार से कभी हम फिर 2 साल बाद में आएंगे वोटिंग मांगने तो यही लोग बोलेंगे कि 5 साल अमदार कहा था, MLA कहा था, विधायक कहा था। तो उनको मिलके उनकी समस्या सुन के लिए यहाँ के कॉरपोरेटर काम कर रहे हैं, फिर भी अभी 2 साल आपको मालूम है बॉडी नहीं है महानगर पालिका में, कोई महापौर नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं, तो ये छोटी मोटी समस्या के लिए आज भरत जाधव ने यहाँ पर कार्यक्रम लिया हुआ है। और वो कार्यक्रम को अच्छा, पब्लिक का और सीनियर सिटीजन का, कोई संस्था का है, किसी को प्लॉट की समस्या है, अलग अलग समस्या का हमने निवारण किया है। आमदार आपला दारी के तहत अनेकों समस्याओं का इस दौरान ऑन द स्पॉट समाधान भी दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।